Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फिर छांगला गली में सर जोड़कर बैठेंगे। वफाकी काबीना के नामों को हतमी शक्ल देने का इम्कान। हल्का एनए 120 जिमनी इलेक्शन में उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ वजीर आला रहेंगे या वजीर आजम बनेंगे? फैसला आज के इजलास में मुतवक्के। शाहिद हकान अब्बासी की वजीर आजम हाउस आमद। चाको चौबन दस्तों की जानिब से नौ मुंतहिब वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नवाज शरीफ की क्यादत में मेगा मंसूबे मुकम्मल हुए। मुखालिफीन ने इख्तदार के लिए मुल्की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। सीपैक दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है। शहबाज शरीफ का बयान। जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पख्तून को हम आपको माफ नहीं करेंगे। फिर वही किया गया जो माजी में किया जाता, यानी पर्सनल करेक्टर असैसिनेशन। सियासत में आज एक और तूफान का इम्कान। नवाज लग के रहनुमा अमीर मकाम इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आयशा गुल अली से मुलाकात और नवाज लीग में शमूलियत की तलाक दुरुस्त है या गलत? हकायक से पर्दा उठाएंगे। इमरान खान नाअहली केस, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। दरखास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख के दलाइल शुरू। नाहिल शख्स इजलास की सदारत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के हालिया फैसले कानून के मुताबिक कलदम है। काबीना में ताखीर नाकाबिले कबूल है। बाबर एवान की मीडिया से गुफ्तगू। हनीफ अब्बासी की जानिब से 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। शेख रशीद के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बार फिर मैदान में निकलने को तैयार। बिलावल भुट्टो हफ्ते को चित्राल में जलसा करेंगे। फौज मुल्क को पटरी पर लाती है, सिविलियन आकर फिर उतार देते हैं। मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगा तो वो उस वक्त के हालात का तकाजा था। जमहूरियत हो या अमरियत, आवाम को सिर्फ तरक्की और खुशहाली चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ फिर इन एक्शन। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत जारी। कलगाम में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शुपिया में हमले के दौरान मेजर समेत 2 काबिज फौजी हलाक। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स का लाहौर गैरिसन का दौरा। मिलिट्री यूनिट्स और फॉर्मेशंस का विजिट। फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक फौज के उमूर और दिफाई सलाहियतों से मुतालिक बताया गया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। फायरिंग रेंज में मशकें भी देखी। पाक फौज के जज्बे अज़्म और पेशावराना इस्तेदाद की तारीफ। कोयटा में ट्रैफिक सार्जेंट को गाड़ी से कुचलने का केस। एमपीए मजीद अचकजई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। यंग डॉक्टर्स की झटाई बरकरार। पंजाब के अस्पतालों में तीसरे रोज भी हड़ताल। मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के इलाके शम्स कॉलोनी और सब्जी मंडी में सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन।
सैकड़ों घरों की तलाशी, 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, जंगल से 7 रॉकेट, एंटी टैंक माइन, आईईडी, बारूदी मवाद और हजारों गोलियां बरामद। मुल्तान की सेंट्रल जेल में जश्न आजादी की तकरीब, कैदियों और जेल वार्डन का ढोल की थाप पर रक्स, डीआईजी जेल खाना आजाद भी झूम उठे। वॉलीबॉल का मैच भी खेला गया।